पूरे शरीर में ऊर्जा आ जाएगी, एक एक मसल आपका स्ट्रांग हो जाएगा। मुझे जिम जुम नहीं आता, लेकिन मैं कम से कम 10-20 बार तो शेर दंड लगाता हूं। अब कोई कहे बाबा जी ये योग में कहां लिखा है, मैंने कहा ये बता कहां नहीं लिखा है। हर बात को कहेंगे ये कहां लिखा है। तो बहुत सी बातें हैं जो लिखी भी नहीं है भाई, शास्त्र में संकेत मात्र होता है। आपको इसलिए मैं बोल रहा हूं, जवान आदमी है दंड बैठक लगाओ क्या दिक्कत है। ये लड़का बैठा है 5000 दंड लगाता है रोज, ये सामने बैठा है 5000, और इसकी मां को कैंसर है उसके बावजूद हिम्मत नहीं आ रही, और इसको बीच में कुछ स्लिप डिस्क कैसी हुई थी, एक्सीडेंट में स्लिप डिस्क हो गई 2007 में। 6 महीने बेड पर रहा, आसन करके भुजंगासन मरकटासन करके ठीक हो गया और दोबारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। बाद आशीर्वाद जाओ अभी। देखो जो है आपको मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं कि आप कुछ करना शुरू करो। अब मान लीजिए मैं तो शीर्षासन लो 1 मिनट में कर दो, लो देखो बात शीर्षासन वृक्षासन के नहीं, लेकिन जिसको हाई ब्लड प्रेशर हार्ट के प्रॉब्लम उससे शीर्षासन कराओगे तो पूरा शीर्षासन हो जाएगा। बात इतनी नहीं है, मैं इसलिए गंभीरता से जो बात कहना चाह रहा था वो ये कि हमको ना योग के नाम पर एक तो ये जो व्यर्थ की बहस उससे बाहर आना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि जो साइंटिफिक है जो यूनिवर्सल है जो सेक्युलर है, मैं सेक्युलर शब्द बोल रहा हूं साधु होकर के, सेक्युलर का अर्थ धर्म निरपेक्ष नहीं है, सेक्युलर का अर्थ पंथ निरपेक्ष है, किसी पंथ का के प्रति हमारा दुराग्रह और किसी पंथ का अपमान नहीं होना चाहिए, सबके प्रति आदर। जब ये सारी सृष्टि भगवान की ही रचना है यह मानते हैं, ये योग का मूल सिद्धांत है, तो फिर सबके प्रति गौरव रखो आदर रखो, क्योंकि ये सारी सृष्टि भगवान की रचना है। दिस होल यूनिवर्स इज द क्रिएशन ऑफ गॉड एंड दिस होल यूनिवर्स इज द विजिबल फॉर्म ऑफ गॉड, तो फिर आप में नफरत तो आ ही नहीं सकती ना। आप किस जो भी योग के बारे में बात हो, किसी भी चाहे वो ज्ञान की बात हो चाहे प्रैक्टिस की बात हो या योगी के आचरण की बात हो, जो भी हो रहा है वो साइंटिफिक होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए और सर्वहितकारी होना चाहिए। वो सब लोग जो साइंटिफिक नहीं है, जो यूनिवर्सल नहीं है, जो सेक्युलर नहीं है और जिसमें किसी का हित नहीं है वो योग नहीं है। ये मैं सारी परिभाषाओं के निष्कर्ष के तौर पर मैंने बात की। फिर जो है ये गंभीर बात मैंने इसलिए कही कि योग की परिभाषाओं को लेकर के जितने भी योग के सेमिनार मैंने देखे सब खड़े होकर के योग की परिभाषाएं बोलने लगते हैं, और कई बार तो बड़ा संकोच होता है उस समय जिन लोगों ने खाली योग की परिभाषाएं शास्त्रों में पढ़ी है, योग को की प्रैक्टिस नहीं की है, योग को जिया नहीं है, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि भाई थोड़ा सा रहम करो योग के ऊपर। आपको डॉक्टर ना हो और डॉक्टर की बात करें लोग वो कहेंगे कहां किस पागल के पल्ले पड़ गए। देखो योग के फील्ड में योग का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको लाइफ में, योग का नॉलेज होना चाहिए, योग की प्रैक्टिस वो करने वाले योग का प्रैक्टिशनर होना चाहिए। खैर एक बात तो ये कहनी थी मुझे कि योग के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण हम सबका बने, और इसीलिए मैंने कहा कि ये योग की यात्रा बहुत बड़ी है, इसमें
कहीं पर कोई संकीर्णता नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दीवारें कोई बंदिशें नहीं है। एक बात, अगली बात कि भाई इसमें अब एक्ट किसको क्या करना है, दायित्व, ये तो दार्शनिक बात होगी ना बड़ी कि ऐसा होना चाहिए। इसमें जब इंडियन योग एसोसिएशन की बात आई तब भी मैंने कहा था कि भाई सबको साथ में लेके चलो और लोकतांत्रिक और आध्यात्मिक तरीके को मिला करके चलो। और उस समय मैंने कुछ बातें कही थी, वो अभी शाम को मीटिंग है उसमें हम दोबारा चर्चा करेंगे, कि मैंने कहा योग को लेकर के कुछ भी करना हुआ तो मेरे जिंदगी का प्रथम और अंतिम लक्ष्य योग है, उसके बीच में है जो सारा ये कर्मयोग उसी के लिए है। फर्स्ट एंड अल्टीमेट गोल इज योगा, और योग के बीच में ये सब बाकी जो भी सामर्थ्य उसका उपयोग हो रहा है। मैंने अपने जीवन में संकल्प लिया है कि मुझे सैकड़ों करोड़ लोगों को तो योग की ओर प्रेरित करना ही है, ये तो लक्ष्य है ही है, लेकिन योग का जिनको तत्व ज्ञान हो और योग का जिनके जीवन में अभ्यास हो और योगियों जैसा जिनका आचरण हो, ऐसे अभी कम से कम मैंने 50 साल का मास्टर प्लान बनाया है और इसमें कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा प्रामाणिक योगी मैं इस देश और दुनिया को दे करके जाना चाहता हूं और उसके लिए मैं कार्य कर रहा हूं। ऐसे हमें कार्य करने होंगे। कई बार मंच पे आ जाता है, ये कहां बैठेगा, ये आगे बैठेगा, दाएं बैठेगा, पीछे बैठेगा, हमने कहा भैया जहां खाली जगह हो वहां हमको बैठा दे। इसमें क्या सोचना है इन बातों, देखो भाई आज हमको बैठाने लगे मंच पे तो हम बैठ जाते, आज से 25 साल पहले तो हमको सामने भी नहीं बैठने देता था, तो कोई ठीक है ना, हम पीछे बैठ जाते थे, इसमें क्या है, ये कौन सी बड़ी बात है भाई, आगे पीछे नहीं बैठने से कोई जो है कोई आगे पीछे नहीं हो जाता है, ये सब चीजों से हमें बाहर आना होगा। ठीक है जहां जैसी व्यवस्था है, किसी के बोलते हैं जी यहां ऐसा प्रोटोकॉल है, ठीक है भाई ऐसा प्रोटोकॉल मान लो भाई, इसमें क्या है, अपना हाँ अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना कभी नहीं। तो ये 2-3 बातें मुझे आज के संदर्भ में कहनी थी। एक बात पतंजलि के कार्यकर्ताओं ने भी इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव का जो कार्यक्रम है इसमें बहुत पुरुषार्थ किया, एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, क्योंकि हमारे पास यहाँ दिल्ली में करीब जो हमने ट्रेनिंग दी है लोगों को अलग अलग, किसी को 7 दिन की, किसी को 1 महीने की, किसी को तो अब 7 साल 10-10 साल से ट्रेनिंग के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो करीब करीब इस NCR क्षेत्र में करीब 50,000 योगी कार्यकर्ता हमने तैयार कर दिए हैं, उनका अभिनंदन है। कभी भी कोई चाहे तो हम 50,000 कार्यकर्ताओं को 3 दिन की सूचना पर बुला सकते हैं, ऐसी योग की ताकत भी होनी चाहिए। ये खाली पॉलिटिकल लोगों के पास ताकत नहीं होनी चाहिए और कॉर्पोरेट लोगों के पास ही ताकत नहीं होनी चाहिए, खाली ब्यूरोक्रेट्स के पास ही ताकत नहीं होनी चाहिए, पावर की भी बात आए तो योगियों के पास सबसे ज्यादा सात्विक पावर होनी चाहिए, होना चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। नहीं योग को एक और कर दिया काम, योग को लोगों ने दरिद्र बना दिया, पर योगी के पास वैभव नहीं होना चाहिए, विभूति नहीं होनी चाहिए। तो भाई ये योग दर्शन का विभूति बात क्या है बताओ, उस समय क्योंकि आध्यात्मिक वैभव को सर्वाधिक मान्यता थी, जैसे आजकल भौतिक ऐश्वर्य को ज्यादा मान्यता है, महर्षि पतंजलि के युग में आध्यात्मिक ऐश्वर्य को उसी को विभूति कहते, उनकी उसको ज्यादा मान्यता थी, तो महर्षि पतंजलि ने तो विभूति पाद लिख दिया। इसलिए मैं कहता हूं सबसे ज्यादा ऐश्वर्य भी यदि किसी के पास होना चाहिए सब प्रकार का, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, और दोनों ऐश्वर्य जहां पर पूरा होता है वहां धर्म घटित होता है, और जहां दोनों ऐश्वर्य पूरे नहीं होते वहां दरिद्रता होती है, धर्म नहीं होता है। यतो अभ्युदय निःश्रेयसः सिद्धि सधर्म। अब कुछ लोगों को इसी बात से मिर्च लगी रहती है कि बाबा के पास इतना ऐश्वर्य कहां क्यों है, अरे कोई चोर के लाया है भाई, वो डाका डाला है, तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है। अरे भाई योगी का ऐश्वर्य अपने लिए नहीं है, योगी का ऐश्वर्य भी समष्टि की सेवा के लिए है, यह होना चाहिए। मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं कि हम लोगों ने पता नहीं कहां से हमारे ये
ये थॉट्स बना दिए गए, योग तो ऐसा है, योगी तो ऐसा है। अरे भगवान शिव योगी थे, भगवान राम भगवान कृष्ण योगी थे, गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि हमारे हजारों लाखों करोड़ों पुरखे ऋषि मुनि सब योगी थे, उनके पास किस बात की कमी थी। ऐसे ही अब एक नया इतिहास हमें बनाना है कि मैंने कहा हर क्षेत्र में, और भाई को दूसरे सहयोग करेंगे तो हम सबके पैर पड़ के सबका सहयोग लेंगे, और वह दूसरों ने कम भी सहयोग किया तो हम अपना काम पूरा करेंगे। मैं ये नहीं कहा कि नहीं करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता दूसरे सहयोग ना करें। दूसरों ने सहयोग किया, ज्यादा किया तो साथ उनका साथ लेकर के, कम किया तो उससे, और भाई कहीं कहीं विरोध भी हुआ तो हमें अपने पथ से विचलित नहीं होना, ये योगी को संकल्प लेना चाहिए। ये योग है कि हम चलेंगे अपनी राह पर, और ऐसा जब होगा तब मैंने कहा ये सपना साकार होगा कि हर क्षेत्र में शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति कौन होना चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स में भी कोई शिखर पर बैठा हो तो कौन होना चाहिए, जजों में भी, जुडिशियली में भी टॉप पर कौन होना चाहिए, भारत का प्रधान न्यायमूर्ति भी योगी होना चाहिए। देश के हर सिस्टम में जहां भी जाओ वहां पर नेतृत्व जिस दिन योगियों के हाथ में होगा उस दिन इस धरती पर भगवान का साम्राज्य कायम होगा, भगवान का साम्राज्य। मैं ना कोई हिंदुत्व की बात कर रहा हूं, न मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं, मैं ना ईसाइयत की बात कर रहा हूं। मैंने कहा क्या है आई एस आई क्या, हाँ उसने कल यहां भी को बड़ा कर दिया। मैंने ISI का झंडा नहीं थाम रखा, मैं वेटिकन सिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, मैं किसी भी मजहबी दकी अनुसी को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, मैं सन्यासी हूं लेकिन एक साइंटिफिक सन्यासी हूं, साइंटिफिक सन्यासी। ऐसे ही एक साइंटिफिक अप्रोच हमें अपनानी पड़ेगी और सारी संकीर्णताओं को दूर करना पड़ेगा। तो मैं मंच पर जितने महापुरुष बैठे हैं इन सबको भी, चाहे इनमें गैरिक वस्त्रों में है या श्वेत वस्त्रों में है, उन सबको मैं भगवत स्वरूप मान करके सबसे पहले तो इनको प्रणाम करता हूं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्या मैं